हेलो एवरीवन, तो फिर से आप सभी का स्वागत है तरुण योगी नर्सिंग क्लासेस में। बीच में मैं क्लास नहीं ले पाया था, कुछ अच्छे तरीके से कुछ चीज़ें हो नहीं रही थी, अभी तक सेटलमेंट कुछ नहीं हो पाया इस वजह से। बट मैं आज फिर से आपके लिए एंडोक्राइन सिस्टम की बची हुई क्लास लेके आया हूँ। तो हम आज पढ़ेंगे एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज ठीक है। तो एडिसन डिजीज मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें लिखा हुआ एड जरूर है बट इसमें कम होता है ठीक है। तो इसे हम कैसे देख सकते हैं, एडिसन डिजीज ऑल्सो नोन एज एड्रीनल इनसफिशियंस, एड्रीनल इन सफिशियंसी ठीक है। यानी कि अगर आपकी बॉडी के अंदर एड्रिनल की इनसफिशिएंसी हो जाए, एड्रिनल हार्मोन नहीं बन पाए तो ठीक है। अगर एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो रही है तो इसमें एड्रिनल कोर्टेक्स के हार्मोन कम देखे जाते हैं, एड्रिनल कोर्टेक्स के हार्मोन कम देखे जाते हैं ठीक है। अब हम देखेंगे इसके कोज क्या हो सकते हैं, कारण क्या होंगे एड्रिनल इनसफिशिएंसी के। कारण होगा अगर आपकी एड्रिनल ग्लैंड हटा दे, एड्रिनल ग्लैंड हटा दे, तो एड्रिनल ग्लैंड हटाने से क्या होगा कि एड्रिनल ग्लैंड हटा दिए तो एड्रिनल हार्मोन नहीं आए ठीक है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, हाइपोथायरायडिज्म, अगर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड हटा दी गई है तो भी क्या होंगे आपके एड्रिनल के हार्मोन नहीं बन पाएंगे। और क्या कारण हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज, अगर आपकी एड्रिनल ग्लैंड के अंदर कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज हो गई है तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका एड्रिनल हार्मोन नहीं बन पाएगा ठीक है। हम इसके टाइप देखना चाहें तो क्या क्या टाइप हो सकते हैं, किसके टाइप होंगे एड्रिनल इनसफिशिएंसी या फिर एडिसन डिजीज के। तो ये होती है प्राइमरी, प्राइमरी एडिसन डिजीज या प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी, सेकंड सेकेंडरी, और थर्ड टर्सरी, टर्सरी ठीक है। तो प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी में क्या होगा कि एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी जिसकी वजह से एड्रिनल कोर्टेक्स के हार्मोन कम हो जाएंगे तो हम उसे कहेंगे प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी ठीक है। सेकंड सेकंड अगर यही प्रॉब्लम पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से हो, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉब्लम की वजह से ठीक है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की प्रॉब्लम हो गई है और उसकी वजह से एड्रिनल हार्मोन कम हो रहे हैं, क्योंकि तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम होगी तो आपका ACTH एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ये नहीं आएगा, और ये नहीं आएगा तो ये एड्रिनल ग्लैंड पे काम नहीं करेगा, और एड्रिनल ग्लैंड पे अगर ये काम नहीं करेगा तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन नहीं बन पाएंगे ठीक है। नेक्स्ट टर्सरी, अगर कोई हाइपोथैलेमस की प्रॉब्लम हो जाए, हाइपोथैलेमस की प्रॉब्लम हो गई है, उसकी वजह से अगर आपका CRH कोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन नहीं आता है और ये नहीं आएगा और पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम नहीं करेगा तो आपके एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन कम हो जाएंगे ठीक है। तीनों टाइप समझ में आए आपको। अब हम इसके देखते हैं क्या क्या साइन सिम्टम्स आएंगे अगर उस इंसान में एड्रिनल इनसफिशिएंसी या फिर एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन कम हो चुके हैं तो ठीक है। साइन सिम्टम्स पहला हम देखते हैं, अगर उसके अंदर ग्लूकोकोर्टिकोइड डिक्रीज हो गया है
ग्लूकोकोर्टिकॉइड डिक्रीज हो गया है तो उसके अंदर डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल देखने को मिलेगा, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल देखने को मिलेगा। इसकी वजह से उसके अंदर फटीक, ठीक है, मतलब कि उसके अंदर थकान, लेथार्जी एंड वीकनेस देखने को मिलेगी, कमजोरी से उसको लगेगी, ठीक है। तो यानी कि ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन कम होने की वजह से क्या हुआ, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हुआ, और ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर कम होगा तो बॉडी में थकान सी महसूस होगी, ठीक है। अगर मिनरेलो कोर्टिकोइड हार्मोन कम हो गया है तो उसकी वजह से देखने को मिलेगा डिक्रीज सोडियम, और डिक्रीज सोडियम इसको हम बोलते हैं हाइपोनेट्रेमिया, नेट्रेमिया, ठीक है, हाइपोनेट्रेमिया। एंड साथ में जहां पानी वहां नमक यानी सोडियम, तो यहां देखने को मिलेगा हाइपो वोलेमिया, ठीक है, यानी कि बॉडी के अंदर फ्लूड का लेवल भी कम हो जाएगा। और क्या देखने को मिलेगा, हाइपर कैलेमिया, क्यों, क्योंकि पोटेशियम को एल्डोस्टेरोन बाहर नहीं निकाल पाएगा, और बाहर नहीं निकाल पाएगा तो पोटेशियम जमा होगा और हाइपरकैलेमिया देखा जाएगा, यानी कि ईसीजी करोगे तो पीक उसकी जो टी वेव है वो हाई देखने को मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, यानी कि टी वेव उसमें बढ़ी हुई दिखा देखने को मिलेगी, उसमें बहुत ऊंचे लेवल पे दिखाई देगी, पहाड़ सा बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, उसके अंदर H+ भी बाहर नहीं निकल पाएंगे तो उसके अंदर देखा जाएगा मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, तो उसके अंदर देखा जाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और क्या देखने को मिलेगा, उसकी बॉडी कैल्शियम को भी बाहर नहीं निकाल पाएगी, देखा जाएगा हाइपर कैल्शियमिया, यानी कि कैल्शियम बढ़ जाएगा। और कैल्शियम बढ़ता है, इसका एक और कारण भी देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है बोन रिजॉर्प्शन, कि बोन रिजॉर्प्शन बढ़ जाता है, ठीक है, बोन रिजॉर्प्शन बढ़ जाता है और हाइपर कैल्शियमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपकी बॉडी के अंदर एंड्रोजन कम हो गए तो क्या देखने को मिलेगा, तो फीमेल है तो फीमेल, उसके अंदर देखने को मिलेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टरबेंस या मेंस्ट्रुअल डिस्टरबेंस, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं रहेगी। लड़के में देखने को मिलेगा डिक्रीज लिबिडो या सेक्सुअल डिसफंक्शन, ठीक है। तो यानी कि उसके अंदर एंड्रोजन कम है तो फीमेल के अंदर देखने को मिलेगा एमेनोरिया की कंडीशन या फिर मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन की कंडीशन, ठीक है। और वहीं अगर वो मेल है तो उसके अंदर देखने को मिलेगा डिक्रीज लिपिडो, यानी कि उसकी सेक्सुअल जो अराउजल की जो उसकी इच्छा होती है वो कम हो जाएगी, सेक्सुअल डिसफंक्शन देखने को मिलेगा। मिनरल कोर्टिकोइड है तो सोडियम कम होगा, हाइपोवोलेमिया देखने को मिलेगा, और अगर ये कैल्शियम को बाहर नहीं निकाल पा रहा है देखने को मिलेगा हाइपर कैल्शियमिया, और अगर ये पोटेशियम को बाहर नहीं निकाल पा रहा है तो ये देखने को मिलेगा हाइपर कैलेमिया, ठीक है। और ग्लूकोज की कमी है तो देखने को मिलेगा क्या, फटीग और लेथार्जी। इसके अलावा मेलाटोनिन मेलाटोनिन बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, और मेलाटोनिन जब भी बढ़ता है तो आपकी बॉडी में देखने को मिलेगा हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ठीक है, इतना समझ में आया, इसके साइन सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन आपका बन सकता है एक तो हाइपर पिगमेंटेशन वाला,
एक मेंस्ट्रुअल डिस्टरबेंस वाला ये क्वेश्चन बन सकता है, एक ये हाइपर कैल्सीमिया वाला और हाइपर कैलेमिया वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं। अब हम इसके देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो कैसे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं? डायग्नोस करने के लिए हम देख सकते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन लेवल चेक कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन लेवल चेक कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस है उसके भी हार्मोन के लेवल चेक कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, सीटीएमआरए, सीटीएमआरए, कहीं इन दोनों ग्लैंड को चोट तो नहीं पहुंची है, वो भी हमें सीटीएमआरए के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब हम देखेंगे इसका मैनेजमेंट कि क्या मैनेजमेंट हम करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर हम देख रहे थे कि कोर्टिकोस्टेरॉइड कम हो रहे थे, कोर्टिकोस्टेरॉइड कम हो रहे थे, तो हम उसको बाहर से कोर्टिकोस्टेरॉइड दे देंगे, यानी स्टेरॉइड देंगे, और स्टेरॉइड हम कौन से देंगे, डेक्सामेथासोन, डेक्सा मेथासोन, और क्या देंगे, इंडोमेथासिन, इंडो मेथासिन, ठीक है। ये दो दवाई हम उसका स्टेरॉइड लेवल मेंटेन करने के लिए बाहर से दे देंगे, और हम क्या दे सकते हैं उसको, हम देख रहे थे उसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा था, तो उसको मेंटेन करने के लिए इंक्रीज करेंगे कार्बोहाइड्रेट डाइट, कार्बोहाइड्रेट डाइट, ठीक है, और हम उसको क्या देंगे, इंक्रीज प्रोटीन एंड फैट डाइट, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म कम हो रहा, मेटाबॉलिज्म उसका कम हो रहा था, क्यों, ग्लूकोकोर्टिकोइड की वजह से, ठीक है, ग्लूकोकोर्टिकोइड की वजह से। लेकिन लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा वो बनेगा, आपको डिक्रीज पोटेशियम डाइट देनी, पोटेशियम आपको उसको ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि उसमें हाइपर हाइपर कैलेमिया हो रहा था, और आपको डिक्रीज रखनी है कैल्शियम डाइट, ठीक है, कैल्शियम डाइट भी कम रखनी है, नहीं तो उसको हाइपर कैल्शियमिया की प्रॉब्लम और ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये छोटी सी डिजीज जिसे हम बोलते हैं एडिसन डिजीज, ये आपको समझ में आई, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी, ठीक है। एक छोटी सी बीमारी एक और हम देख लेते हैं जिसे हम बोलते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा, जिसे हम कहेंगे फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है, फियो क्रोमो साइटोमा, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर किसका है, एड्रिनल ग्लैंड का, एड्रिनल ग्लैंड का, ठीक है। इस फियोक्रोमोसाइटोमा में देखा जाता है जो फियोक्रोम सेल है, फियो क्रोम सेल, ठीक है, इसके अंदर देखा जाता है इसकी साइज इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और इसकी साइज इंक्रीज होगी तो ये एक ट्यूमर का रूप ले लेती है, ठीक है, और वो ट्यूमर बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। इसके साइन सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा, इसमें देखने को मिलेगा टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया, उसकी हार्ट रेट बहुत इंक्रीज हो जाएगी, और इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये जो फियोक्रोमोसाइटोमा है, फियोक्रोमोसाइटोमा ये जो एड्रिनल मेडुला का कैंसर है, एड्रिनल मेडुला का कैंसर है, और एड्रिनल मेडुला एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रेट करता है, और ये एड्रिनल हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा
एक्सेसिव हो जाएगा, और एक्सेसिव होगा तो ये सीधा का सीधा क्या करेगा, सीधा का सीधा टेकिकार्डिया करवा देगा, और क्या देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन, बीपी शूट आउट होगा, बीपी शूट आउट होगा, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, बीपी बढ़ेगा, उसके अंदर ट्रेमर भी देखने को मिलेगा, ट्रेमर देखने को मिलेंगे उसके अंदर, और क्या, डिजीनेस, डिजीनेस यानी कि अनअवेयर होगा आसपास की चीजों के लिए, उसको डिजीनेस भी देखने को मिलेगी, और क्या होगा, हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ने से उसके अंदर डायफोरेसिस, पसीना पसीना वो हो जाएगा, डायफोरेसिस भी देखने को मिलेगा, ठीक है, एक्सेसिव स्वेटिंग, पसीना बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। इस कंडीशन को मैनेज कैसे करेंगे, मैनेज करने के लिए हम उसको देंगे बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, ठीक है, और बीटा ब्लॉकर देने से क्या होगा, बीपी कम हो जाएगा, ठीक है, और क्या करेंगे, और क्या करेंगे, एड्रिनल ग्लैंड का जो ट्यूमर है, ट्यूमर उसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, ये इसका मैनेजमेंट है फियोक्रोमोसाइटोमा का, तो एक छोटी सी बीमारी थी तो वो मैंने आपको बता दी है। इसी के साथ में, इसी के साथ में एक छोटी सी ग्लैंड, छोटी सी ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, उसके बारे में भी देख लेते हैं, उसके बारे में भी देख लेते हैं, पीनियल ग्लैंड कि क्या क्या इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड, इसे ही हम कहते हैं एपी फाइसिस ग्लैंड, ठीक है, और क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अबाउ द हाइपोथैलेमस होती है, अबाउ द हाइपोथैलेमस यानी कि जो हाइपोथैलेमस होती है उसके ऊपर की ओर ये स्थित होती है, इसलिए हम बोलते हैं इसको एपिफाइसिस, ठीक है, या एपिफाइसिस ग्लैंड। हाइपोफाइसिस ग्लैंड पता है, पूरा उसी के ऊपर टिका हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि वो हाइपोथैलेमस के नीचे की तरफ पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसे हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट ग्लैंड, स्मॉलेस्ट ग्लैंड, ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि, बहुत छोटी होती है, कितनी छोटी होती है, ये 6 से 8 mm की, ठीक है, 6 से 8 mm की, इतनी छोटी सी होती है। इसका शेप कैसा होता है, पी शेप होता है, यानी कि मटर के दाने जैसे, ठीक है, मटर के दाने जैसे छोटी सी ग्लैंड होती है। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी एंडोक्राइन, ये सब लिवर पे टिक करेंगे, सबसे बड़ी ग्लैंड देखते ही एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती है थायरॉयड, ठीक है, थायरॉयड सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्या करती है, पीनियल, पीनियल करती है, पीनियल ग्लैंड क्या करेगी, ये करती है मेलाटोनिन, मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन, ठीक है, ये क्या करती है, मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, और ये मेलाटोनिन हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर सरकार्डियन, सरकार्डियन रिदम मेंटेन करता है, यानी कि कब आपको सोना है, कब आपको उठना है, उससे बोलते हैं सरकार्डियन रिदम, और इसी वजह से इस ग्रंथि को बोला जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सरकार्डियन रिदम ह्यूमन की बॉडी में कौन मेंटेन करता है, तो सरकार्डियन रिदम मेंटेन करता है मेलाटोनिन हार्मोन, और ग्लैंड का नाम आएगा पीनियल ग्लैंड, ठीक है। ये मेलाटोनिन हार्मोन क्या होता है, मेलाटोनिन हार्मोन होता है एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, ये एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करता है, और आप सभी एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं ताकि आपकी त्वचा की खूबसूरती को मेंटेन कर सकें। इसके अलावा ये क्या करता है, ये करता है डिले प्यूबर्टी, डिले प्यूबर्टी यानी कि जो बच्चे होते हैं उसमें टाइम से पहले, टाइम से पहले प्यूबर्टी आने को यानी किशोरावस्था आने को रोकता है। अगर ये ग्लैंड पहले
पहले ही आपकी काम करना बंद कर दें तो आप देखेंगे 8 साल 9 साल 10 साल के बच्चे के अंदर ही बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये करता है डिले प्यूबर्टी, ठीक है। और जैसे प्यूबर्टी को बच्चा प्राप्त करता है उसके बाद में ये अट्रोपाइड होने लग जाती है। अट्रोपाइड का मतलब होता है ये सिकुड़ने लग जाती है, फिर इसका काम नहीं रहता, ठीक है। मेलाटोनिन जो हार्मोन है ये क्या करता है, ये स्लीप को इंड्यूस करता है, यानी कि सोने में मदद करता है, बढ़ाता है। तो ये करेगा काम डिम लाइट में, जैसे कि आपने लाइट ऑफ की कमरे की तो उसके बाद में क्या करेगा, आपको नींद आने लगती है। क्यों? क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन काम करता है। पर आप देखेंगे कि ये प्यूबर्टी के बाद में तो अट्रोपाइड होना स्टार्ट कर दी है, ये सिकुड़ने लग गए तो ये काम कौन करेगा? तो जैसे प्यूबर्टी आ जाती है तो उसके बाद में जो ये काम करेगा वो काम करेगा आपका सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, ठीक है, सेरोटोनिन। तो बाद में ये आपका काम कौन करेगा, नींद दिलाने का, वो करेगा सेरोटोनिन, ठीक है। तो आपको छोटी सी ये ग्लैंड समझ में आई, आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। और मेरी क्लास अगर आपको पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के पास में रेफर कर देना। हो सकता है क्लास में थोड़ा सा लेट हो जाऊं बट क्लास आती रहेगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।